मात्र मात्र कृष्ण कथा है। और इस कृष्ण कथा को हम खूब तीव्रता से लालायित होकर और हम अपने जीवन में भगवान की इस वाणी को श्री प्रभुपाद जी के द्वारा इस भागवत के श्लोकों के द्वारा प्रतिपादित की हुई इस तात्पर्य को हम अपने जीवन में कैसे उतारे, उस मनोरथ हेतु हम सब यहां पर एकत्रित हुए हैं। श्रीमद् भागवत एकदम सरल ग्रंथ है, क्योंकि कृष्ण बहुत सरल है। अगर हम अपनी मन और बुद्धि और तर्क और वितर्क से भगवान को समझने का प्रयास करें तो कृष्ण को समझना हमारे लिए बहुत कठिन है, अति दुर्लभ है। परंतु इसी भगवान को समझने के लिए अगर हम किसी वैष्णव आचार्य और गुरुजन की कृपा को प्राप्त करें तो भागवत को हम समझ पाएंगे। हम अपने मन और बुद्धि से तर्क से भगवान इस विशुद्ध ग्रंथ को, निष्कलंक पुराण को, भगवान के वांग्मय स्वरूप को नहीं जान पाएंगे। इनको जानने के लिए हमें किसी साधु की कृपा सिद्ध होना पड़ेगा। साधन सिद्ध तो हम है ही, पर हम कृपा सिद्ध भी बन जाए। साधना से तो हम भगवान को अपने हृदय में स्थित कर सकते हैं, बुला सकते हैं, पर अपने हृदय में भगवान को नित्य रखना है तो कृपा से ही हो सकता है। इसलिए हरेक वैष्णव को, हरेक याचक को, हरेक भक्त को, हरेक साधक को, हरेक नव शिक्षित भक्त को प्रतिदिन प्रार्थना करनी चाहिए भगवान को, गुरु को, कि हम पर कृपा करें। ए बार करुणा वैष्णव से ही हम आपके वास्तविक स्वरूप को समझ पाएंगे और इस कृपा को प्राप्त करने के लिए हमारी साधना मजबूत होनी चाहिए। हमारी साधना जितनी मजबूत होगी कृपा इतनी हमारी नजदीक होगी। इसलिए हम साधक बने, हम भक्त बनने का प्रयास करें। वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत के और अन्य अनेक शास्त्रों को प्रतिपादित किया, पर जब तक उन्होंने भगवान कृष्ण के गुणगान नहीं किया तब तक न तो व्यास प्रसन्न थे, न व्यास ने लिखे हुए ग्रंथ को पढ़कर कोई भक्त प्रसन्न था। सब असंतुष्ट थे, क्योंकि लिखने वाला असंतुष्ट है तो लिखा हुआ जो पढ़ने वाला कैसे संतुष्ट हो सकता है। व्यास स्वयं भगवान का अवतार है, 24 अवतारों में से 17वें अवतार है वेद व्यास जी, पराशर पराशर के पुत्र थे। परंतु उनके पास भगवान के ही 27 अवतार थे, भगवान की शक्ति प्रति उन पर, यानी जो मनुष्य कार्य नहीं कर सकता अनमानुषिक कार्य व्यास जी ने किया है, जो सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता ये कार्य भगवान ही कर सकते हैं। इसलिए भगवान ने अपनी शक्ति का संचार खुद के एक अवतार जिनका नाम है व्यास के अंदर
डाल दिया। इसलिए वेद व्यास जी को सप्तावश अवतार कहते हैं, और इसी शक्ति के बल से व्यास ने अनेक ग्रंथ, अनेक पुराण, अनेक उपनिषद लिखे। पर असंतुष्ट थे, क्यों? दो चीज थी। एक, उसी शास्त्र में भगवान कृष्ण का पूर्ण रूप से गुणगान नहीं था, और दूसरा गुरु की कृपा नहीं थी। कृपा के बिना, यानी भगवान तो भगवान है, उनको कोई कृपा की आवश्यकता नहीं है, फिर भी भगवान अपने जीवन चरित्र में, यानी अपने जीवन काल में या अपनी लीला काल में हम सबको सिखा रहे हैं कि कृपा के बिना भगवत प्रेम प्राप्त करना अति दुर्लभ है। और कृपा याचना से होती है, कृपा प्रार्थना से होती है, कृपा सेवा से होती है, कृपा समर्पण से होती है, और कृपा शरणागति से होती है। जब ये चीज हमारे अंदर आ जाए तो भगवान की कृपा अपने आप आ जाएगी। अर्जुन ने गीता में अनेक तर्क किए, अनेक प्रश्न किए, परंतु फिर भी भगवान ने उनको भगवत ज्ञान, अपनी वाणी, अपनी प्रेम रूपी वाणी का प्रसाद अर्जुन के हृदय में स्थापित नहीं किया, क्योंकि भगवान समझ रहे थे कि इनके अंदर पात्रता में कुछ कमी है। जब तक के अपने आप की पात्रता प्राप्त न कर ले, तब तक इस प्रेम को, में इस वाणी को, अपने स्वरूप को अर्जुन के हृदय में कैसे डाल सकता हूं। और जब अर्जुन मनसा कर्मण और वाचा तीनों जगह से जब भगवान के प्रति समर्पित हुए, तब भगवान ने गीता का ज्ञान दिया है। जब तक अपने आप हाथ जोड़कर भगवान और गुरु को याचना नहीं करते, तब तक कृपा मिलने वाली नहीं है। और अर्जुन को गीता के दूसरे अध्याय के सातवें श्लोक में कहना पड़ा, कार्पण्य दोषो ज्ञान अर्जुन के हृदय में दिया। ये कृपा ही है। और अर्जुन का ये जो श्लोक था, उस श्लोक बोलने की जो कला थी, श्लोक बोलने का जो अदा थी, यानी जो श्लोक बोलने का हाव-भाव था, उनकी फीलिंग्स थी, वो कुछ अलग थी। गीता के हर एक श्लोक में, श्लोक अर्जुन बोले या कृष्ण बोले, उन हर श्लोक में कुछ न कुछ हाव-भाव रहता है। एंड अर्जुन पूरा शरणागत होकर याचना करते हुए, प्रार्थना करते हुए, आंखों में से आंसू ले हुए ये श्लोक कहते हैं, यत् श्रेयशानी शीतम्रोहितम् मे शिष्यस्य हम शान। तीन चीज अर्जुन ने इस श्लोक में कही, एक, मैं आपका शिष्य बन रहा हूं, शादेम यानी उपदेश दीजिए, और प्रपन्नम शरणागत। गुरु ढूंढने से पहले शिष्य बने हम, गुरु को बनाने से पहले हम अपने आप को बराबर शिष्य बनाए। ऐसे शिष्य की प्रगाढ़ता, ऐसे शिष्य का भाव ऐसा हो जाए कि गुरु उनको देखकर ही पसंद कर ले, ये नहीं मैं तुझे शिष्य बनाना चाहता।
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने तो बहुत प्रयास किया गौर किशोरदास बाबा जी के पास दीक्षा लेने के लिए, परंतु नहीं दिया। पात्रता के बिना न तो ज्ञान मिल सकता है न प्रेम मिल सकता है। अर्जुन ने जब इस भाव को कृष्ण के सामने प्रस्तुत किया, शिष्यस्ते हम, यानी अब तक भगवान के मित्र थे, पर इस मूड को, इस भाव को चेंज कर लिया, शिष्य बन गया, यानी मन से अर्जुन भगवान के प्रति समर्पित हो गए। शाधिम उपदेश दीजिए वाणी से और प्रपन्नम वर्तन से, कर्मणा मनसा वाचा, ये तीनों जगह से जब पैरेलल हो गए, तभी भगवान कृष्ण ने असोचानाम सोचस्तम प्रज्ञावादान्सभासते गता सुगतारेव नानु सोचन्ति पंडिता। फिर उपदेश शुरू हुआ, तब तक भगवान साहिब की कृपा है। व्यास जी भी सब कुछ जानने के बाद, सब कुछ लिखने के बाद भी असंतुष्ट, यहां अर्जुन हाथ जोड़कर भगवान के सामने प्रपन्न यश याचना करते हुए, शाधिम त्वाम प्रपन्न, प्रपन्न भाव से तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया शत्रुदेवो प्रपन्न यश तव अस्मीति याचने अभयं सर्वदा तस्मै ददाति एव व्रतम मम शरणागति हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। शरणागति ममैव प्रपद्यन्ते मायावेतां तरति कर्मणा मनसा वाचा, हमारा भी भगवान गुरु के प्रति समर्पण है पर वाणी से, या ज्यादा से ज्यादा व्यवहार से वर्तन से पर मन से नहीं। कल भी हमने थोड़ा टच किया था कि जब तक हम अपने मन को प्रशिक्षण न करें ना, तब तक भगवत प्रेम प्राप्त करना हमारे लिए दुर्लभ है। भगवान तो सामने यानी डोर पे दरवाजा दरवाजे पर तो आ जाएंगे, पर जब तक हम ये दरवाजा को खोलेंगे नहीं, तब तक भगवान प्रवेश नहीं करेंगे। वाणी से व्यवहार से भगवान हमारे नजदीक तो आ जाएंगे, पर अगर हमारे हृदय में बिठाना है तो दरवाजा तो खोलना ही पड़ेगा। और दरवाजा खोलने से पहले हम अपने अपने जीवन का सस्पेंस भी खोलना पड़ेगा, अपने आप को भगवान के सामने प्रस्तुत करना होगा, जैसे थे उसी भाव से और उसी मूल से। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरी शरणम हरी शरणम हरी शास्त्र लिखने के पश्चात वेदव्यास महाराज भी दुखी थे, उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, स्तुति की, भगवान को याद किया, कुछ मेरे अंदर त्रुटियां दिख रही है, कुछ असंतोष कुछ असंतुष्टता मेरे हृदय में उनका अनुभव हो रहा है, और इसी असंतोष और असंतोष के कारण इतने शास्त्र लिखने के पश्चात भी मैं प्रसन्न नहीं हूं।
तो कुछ कुछ कमियां दिख रही हैं। हर वैष्णव के हृदय में ये चीज होनी चाहिए। भक्ति में जुड़ने जब हम जुड़ते हैं तब से लेकर जीवन के अंतिम श्वास तक हम सभी हमारे हृदय में यही चीज हम अपने गुरुजन के सामने यही प्रस्तुत करें। कहे गुरु जी कुछ ना कुछ कमियां है हमारे अंदर, कुछ ना कुछ नहीं अनेक कमियां है हमारे अंदर, कृपा करके इनको बाहर निकाल। आपसे प्रार्थना है, आपसे निवेदन है, मम निवेदन है सुनो। और इसे असंतुष्टता ही भजन की परिपक्वता है। हम अपने आप को जितना ही कमियां वाला यानी असंतुष्ट यानी खामियां वाला त्रुटियां वाला समझे इतनी ही हमारी भजन की परिपक्वता है। जब तक हम अपने आप को वैष्णव समझने लगे कि मैं भक्त बन गया हूँ, प्रचार करने लगा हूँ, सेवा करने लगा हूँ, डोनेशन देने लगा हूँ, हमारा भजन यानी भगवान से जो प्रेम का फ्लो आता है ना वो रुक जाएगा, अटक जाएगा। भले हम कितना भी बढ़ रहे हैं आगे परंतु तो आनंद का आस्वादन हम नहीं कर पाए। और भक्ति का भक्ति करते हुए जो भगवत प्रेम का आस्वादन प्रतिक्षण वैष्णव को होना चाहिए, प्रति प्रथम पूर्ण अमृत आस्वादन ये होना चाहिए, फिर भी नहीं हो रहा है। एक एक दिन हमारे जीवन में से निकल रहा है भाई, प्रतिदिन एक दिन हमारे जीवन में से निकल रहा है। अब उनका वो अनुभव नहीं कर पाएगा, वो कृष्ण प्रेम का आस्वादन नहीं कर पाएंगे, वो भगवत कृपा का लेश मात्र भी बिंदु मात्र भी हम स्पर्श नहीं कर पाए, यानी ये दुख की बात है। रोना चाहिए वैष्णव को, कुटी के माथा यानी सिर पटकना चाहिए, प्रभु आज आपका नाम लेते लेते कुछ भी अनुभव नहीं हुआ, कुछ भी आश्वासन नहीं हुआ, बस यांत्रिक और मटेरियल यंत्र के रूप से मैं भजन कर रहा था। 16 माला 25-26 हजार नाम कृष्ण का ले रहे, भगवान का नाम ले, उनमें एक नाम में भी आश्वासन नहीं हो रहा है अपने, ये दुख की बात नहीं है तो क्या है? सबसे बड़ी दुख की बात है कि नहीं हो रहा, बस ले रहे पर हो नहीं रहा, ले रहे पर इनका समाधान भी ये है बस लेते रहो, बस इनका मतलब नहीं कुछ आश्वासन नहीं हो रहा है, छोड़ो ये सब, छोड़ना नहीं है, बस लेते रहो, एक दिन होगा, एक दिन होगा। हृदय के ऊपर मन के ऊपर जब जंग लग गए, जब जंग साफ हो जाएगा ना, तो अपने आप वो भगवत प्रेम का आस्वादन होगा। विराम नहीं पाओगे संसार, विराम संसार के भी नहीं हो पाओगे, और संसार आपका भी नहीं हो पाएगा, हमारे लिए नहीं ऐसा अनुभव होगा। हमारे आचार्य क्यों घूमते हैं वृंदावन में? राधे ब्रज देवी के चलनी ते है नंद सुनो कृतो चा। क्यों घूम रहे, क्यों दौड़ रहे, क्यों रो रहे? क्योंकि वो कृष्ण के बिना नहीं रह रहे, परम कृष्ण के साथ नहीं रह रहे। आश्वासन व्यास जी प्रार्थना कर रहे याचक के रूप में, एक भिक्षुक के रूप में, यह प्रभु कुछ त्रुटियां है हमारे अंदर, भगवान के अवतार है वो भी अपने आप को त्रुटियां वाला समझ रहे, तो हम अपने आप को कैसे पूर्ण समझे? जो पूर्ण है वो भी अपने आप को अपूर्ण समझ रहे हैं। स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, फिर भी अगर कोई उनको भगवान बोले तो उनको बहुत बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, मैं भगवान नहीं हूं। हमारी कुछ कुछ अलग है हमारा। तिलक से वैष्णव न बने हम, स्वभाव से गुणों से वैष्णव बने। व्यास जी ने जैसे यहां पर गीता में अर्जुन ने याचना की कृष्ण के सामने,
भक्त ने भगवान के सामने याचना की। वैसे यहां पर समयप्रास नामक स्थान पर बद्री का आश्रम में भगवान ने याचना की, व्यास ने याचना की, प्रार्थना की, स्तुति की कि प्रभु कुछ खामियां हैं, कुछ त्रुटियां हैं, उनको दूर करे, कुछ ऐसी योजना करे। और वेद व्यास जी तीनों मनसा कर्मणा और वाचा, हालांकि भगवान तो पूर्ण है, इसमें कोई अपूर्णता है नहीं, पर संत और गुरुजन कुछ इनके अंदर और इस लीला को मधुर बनाने के लिए, रसमय बनाने के लिए इस भाव को ऐड कर रहे हैं। फ्रूट सलाद तो सिंपल फ्रूट सलाद ही है, उनमें और ना और चीज डालते, ये डालो नहीं नहीं, थोड़ा काजू डालो नहीं, थोड़ा द्राक्ष डालो, जितना डालोगे उतना मधुर होता है। ऐसे कृष्ण की लीला तो शुद्ध ही है, मधुर ही है, पर जितने आचार्य के भाव जिसमें स्पर्श होते हैं और ये मधुर हो जाते हैं, और मधुर हो जाते। मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुर है, सुमधुर है भगवान। और भगवान पूर्ण है, प्रार्थना कर रहे थे, पर उस प्रार्थना को सुनकर स्वयं भगवान ने अपने से दीक्षित शिक्षित हुए ऐसे परम प्रिय भक्त ब्रह्मा जी को जो भागवत सुनाया था, और उसी भागवत ब्रह्मा जी ने नारद को सुनाया, उसी नारद को भेजा समस्या का समाधान करने के लिए। कभी कभी भगवान को भी समस्या आ जाती है ना, तो उनका समाधान कौन करता है? भक्त। सबसे बड़ा इस संसार में कोई है तो कौन है? भक्त। भगवान भी जहां अटक जाते हैं तो फिर वहां पर भक्त कुछ ना कुछ इनका समाधान कर देते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण भी अटक गए थे कि संसार के सभी भक्त मुझको देखकर जो भजन भक्ति साधना करते हैं, जो पागल हो जाते हैं, तो ऐसी कौन सी मेरे अंदर वो चीज है जो मेरे भक्त के अंदर है और मुझ में नहीं है, कौन सी त्रुटियां है, कौन सी अपूर्णता है। और उसी अपूर्णता को दूर करने के लिए साक्षात भगवान के वांग्मय स्वरूप भागवत ने उनको उत्तर दिया कि आप पूर्ण तो हो ही, आपके अंदर कोई भी त्रुटियां नहीं है, फिर भी अगर भक्त भजन करके जो भाव प्रस्तुत करते हैं उसी भाव को प्राप्त करना है तो आपको भक्त बनना पड़ेगा। जब कभी कभी भगवान भी कुछ अपूर्णता अनुभव करते हैं और उसी अपूर्णता को दूर स्वयं भगवान के भक्त करते हैं, और यहां पर स्पष्ट कर दिया, दूर कर दिया। पर भगवान कृष्ण के स्वयं स्वरूप वेदव्यास महाराज के इस दुख और पीड़ा को दूर करने के लिए, देखो ये पीड़ा थी, पीड़ा और दुख में अंतर है। दुख खाली अपने शरीर के लिए होता है और पीड़ा पूरे संसार के लिए होती है। दुख हमारे शरीर के अंदर दुख है तो उनको दुख कहते हैं, कई कुछ कर्मों के अनुसार हमारे जीवन अपडेट हो रहा है, कभी स्वर्ग उठाए, कभी नर्क गिराए, राजदंड जैन जैन नदी से डुबाए, हो रहा है। दुख शरीर से सीमित है, शरीर तक सीमित है, परंतु जो पीड़ा होती है वो पीड़ा सभी से जुड़ी हुई है। व्यास जी के अंदर पीड़ा हो रही थी, दुख नहीं हो रहा था,
क्या हो रही थी? पीड़ा। और पीड़ा किसकी हो रही? कि मैंने सब लिखा कलयुग के जीवों के लिए, कलयुग के लोगों के लिए मैंने शास्त्र तो लिखा, पर इनको लिखकर मैं अप्रसन्न हो रहा हूं तो कैसे पढ़कर सुनकर कैसे इन लोग प्रसन्न हो पाएंगे? इसी पीड़ा को दूर करने के लिए भगवान ने अपने परम प्रिय भक्त नारद जी को भेजा और नारद जी के सामने याचना कर रहे थे व्यास जी। और यहां पर अर्जुन कृष्ण के सामने याचना कर रहे थे, एक भक्त भगवान के सामने याचना कर रहे, और यहां पर भगवान भक्त के सामने याचना कर रहे। और याचना भी प्रभु बाहर वाली नहीं थी, मैंने कहा कर्मणा मनसा और अच्छा। अब तक अर्जुन तो बहुत बाहर बाहर से बड़ी बड़ी फेंक रहा था कि प्रभु युद्ध नहीं करना है, अपने को मारने से अच्छा है मैं वैशंपी ही लौटे, इस संसार में मैं भीख मांगू। गुरु हंतवान महान भावा, भीख मांगू वो मुझे बेस्ट लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इनको जीत लूं या इनके द्वारा मैं हार जाऊं, वो मुझे जीत ले समझ में नहीं आ रहा, और जीत के करूंगा क्या मैं? राजा बनकर इस संसार के सभी भोग को प्राप्त करके दिखाऊंगा किसे? अपने ही बुद्धि से, अपने ही तर्क से अपना ही समाधान करने का प्रयास कर रहा था। पर जब भगवत कृपा हुई तब तो अर्जुन के सभी समाधान स्पष्ट हो गए। और यहां पर भी जब वैष्णव की कृपा हुई, भक्त की कृपा हुई, दोनों भगवान के ही अवतार है। 24 अवतार में नारद को भी भगवान का अवतार बताया है और व्यास को वेद व्यास 27 अवतार है। सभी अवतारों का भाव अलग अलग है, मूल तो कृष्ण ही, कृष्ण तो भगवान स्वयं, एतेच अंश कलाम पुंसम कृष्ण तो भगवान इंद्र अरि व्याकुलम लोकयम मुड़यंती अरि अने दुश्मन अरि सुदनम। गीता में भी श्लोक भगवान का एक नाम आया, अरि अने दुश्मन, यानी इंद्र के दुश्मनों को मारने के लिए, यानी इंद्र यानी भक्त, इंद्र पोष्ट है, इंद्र कोई नाम नहीं, इंद्र क्या है? पोष्ट, यानी भगवान ने जिनको जिस पोस्ट में रखा है, जिस सेवा में रखा है, उस सेवा में रहने वाले भक्त पर अगर कोई दुश्मनों का वार हो तो उस दुश्मनों को मारने के लिए भगवान व्याकुल लोके मुड़यन्ति परित्राणाय साधुना विनाशाय तद्स्थिता धर्म संस्थापनार्थाय और उसी समय नारद जी ने व्यास को, व्यास ने कहा कि क्या मेरे अंदर खामियां है, क्या त्रुटियां है? तब उनका उत्तर देते नयत्र चित्रपदम हरे यशो जगत रवि जगत पवित्रम प्रग्रहितम कहर्चित नारद ने कहा न यत चित्र पदम हरेर यशस, इस पूरे जगत पवित्रम, इस पूरे संसार को पवित्र करने वाला जो हरेर यश, जो हरि का यश है, हरि का गुणगान है, न कहर्चित, आपने नहीं लिखा, आपने उनका वर्णन नहीं किया। तद वायशम तीर्थ संति, जो वैष्णव संत होते हैं, भक्त होते हैं, वो तो जहां पर भगवान की निर्मल कथा होती है वहीं एकत्रित होते हैं, और जहां पर कृष्ण की कथा नहीं है वो मात्र कौओं का तीर्थ है तद वायशम, और जहां पर कृष्ण की कथा होती है वो हंसों का स्थान है तद हंसानाम नयत्र हंसा, वहां पर कौन उपस्थित होते हैं? हंस होते हैं। और जहां पर हरि का गुणगान न होता न कहरिचित हरेर यश गुणानु, जहां हरि का गुणगान नाम रूप गुण कथा
नहीं होती, वहां पर मात्र मात्र कव एकत्रित होते और कहां 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 करते। पर जहां पर संत उपस्थित होते हैं, हंस तो वहां उपस्थित होते जहां कृष्ण कथा होती है। ये चीज कहकर सुंदर रूप से व्यास को सूचित किया कि आपने सब कुछ लिख लिया है, पूरा एड्रेस लिख लिया, पर किसके घर जाना है वो नहीं लिखा। एड्रेस पूरा लिख लिया आपने, पर पार्सल किसके घर में छोड़ना है, किनको देना है वो बस ये लिख दीजिए, तो आपका लिखा हुआ सभी परिपूर्ण हो जाएगा। और एड्रेस ये है कि आप कृष्ण की कथा, कृष्ण का नाम, कृष्ण का भजन, कृष्ण की उपासना लिख दो, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर वेदव्यास महाराज इस भागवत को फिर लिपिबद्ध किया और विस्तार से हमारे पास पहुंचा है। इसी प्रकार श्रोता भी मजबूत है और वक्ता भी मजबूत, क्योंकि दोनों की उपस्थिति महत्वपूर्ण है। बोलने वाला बहुत अच्छा हो पर सुनने वाला ना हो तो कोई काम का नहीं, और सुनने वाला अच्छा हो तो बोलने वाला ठीक नहीं तो भी काम का नहीं। इसलिए शास्त्र में अनेक प्रकार के श्रोताओं का वर्णन किया है, आठ प्रकार के श्रोता का वर्णन किया है कि आठ प्रकार के श्रोता होते हैं। सबसे पहला श्रोता होता है बैल के समान होता है, कैसा होता है बैल के समान, बैल बिल्कुल जो भी दो खा जाता है सब कुछ चलता है, पति जी के मोटू मारे जे अपन बुद्धू खाई जाए, तो कोई श्रोता ऐसा होता है जिनको सब कुछ चलता है, ये भी चलेगा ये भी चलेगा, हाउ ये होलसेल व्यापारी हुए उनको सब कुछ चलता है, जो भी दो। वैसे कोई ऐसे प्रकार के पशु होते हैं ना बैल, उनको ये भी खाता है, प्लास्टिक की थैली भी खाता है और रोटला भी खाता है, घास भी खाता है, गन्ना भी खाता है, बाजरी भी खाता है, अनेक प्रकार के अलग अलग प्रकार के घास आते हैं, मकाई भी खाता है, सब कुछ, उनको सब कुछ चलता है। वैसे एक प्रकार के श्रोता होते हैं जिनको सब कुछ चलता है। अनुपमा भी चलेगा, सब कुछ चलेगा, मूवी भी चलेगा, ये सब कुछ चलेगा, सीरियल नहीं कोई नया मूवी आया है, सब कुछ चलेगा, ऐसे श्रोता होता है। दूसरे प्रकार के श्रोता है वो शियाल, शियाल को क्या बोलते हैं हिंदी में, शियाल लोमड़ी, लोमड़ी लोमड़ी, तो जो लोमड़ी होती है वो आपको मालूम है, आपने गांव में जो रहते हैं उनको मालूम होता है कि जब सो जाते हैं तो बीच में वैसे एक प्रकार की सोता है, ऐसे एकदम बराबर चीख लगता है ना तो कुछ ना कुछ बोलता रहता है, ये देख 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 मैसेज देख क्या हो गया, तुरंत वो बीच बीच में बोलता रहता है ना, बक 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 करता रहता है। तो एक लोमड़ी की तरह हमें श्रोता नहीं बने। तीसरे प्रकार का श्रोता ऊंट, ऊंट बोलते हैं ना उनको, कैमल, ऊंट कैमल, वो क्या होता है और सब व्यंजन को छोड़कर कांटे ही काटते हैं ना, कांटा खाए और वो खाते हैं तो उनको मीठा लगता है, ठीक है, उनकी जीवा कटती है तो उनमें से खून निकलता है, तो खून क्या लगता है, खुद का ही कौन उनको मीठा लगता है। इसलिए एक प्रकार के श्रोता ऊंट के जैसे होते हैं, कैमल की तरह होते हैं, उनको खुद बहुत मीठा लगता है। वैसे एक प्रकार के श्रोता ऐसे होते हैं जिनको अच्छा जो कहते ना वो उनको अच्छा नहीं लगता, रोम बात क्या होती वो पकड़ कर बैठ जाते हैं, ऐसे ऐसे कैमल जैसे श्रोता। आप भी कभी कभी कैमल बने हो, मैं बना हूं उसके, जब सुनता हूं तो मुझे अच्छी बात में नहीं सुनता, बुरी क्या बताई उन्होंने, ये नहीं बोलना चाहिए, पर उन्होंने कितनी अच्छी बात बताई वो हम नहीं सुनते। हम एक प्रकार के ऐसे श्रोता हैं उनकी तरह,
जिनको ये चीज अच्छी लगती है, बुरी चीज अच्छी लगती, अच्छी चीज उनको अच्छा उपदेश उनको अच्छा नहीं लगता, पर बुरा वो इतना अपने हृदय में डाल देता है, ऐसा थोड़ा बोलना चाहिए सबके सामने, ऐसा बोले एक गलत चीज पकड़ लेता है। और चौथे प्रकार के श्रोता होते हैं जो यहाँ पर आए हैं ना, तद वायसम उसंती मानुषा कौवे के तरह होता है। कौवा जो होता है वो क्या करता है, जहां पर कचरा होता है वहां पर बहता है। आपने देखा कभी जहां अच्छी चीजें वहां पर कौवा कभी नहीं बैठता, जहां कचरा होता है वहां ही। तो कोई श्रोता ऐसे होते हैं जहां कचरे जैसी ही चीज होती है ना, वहां पर जाकर ही बैठता है। तो ऐसे श्रोता नहीं बने, क्योंकि महाप्रभु ने भी ध्रुव महाराज की कथा को सुना है, एक दो बार नहीं सुना है, कितनी बार सुना है, 100 बार सुना, 100 बार ध्रुव महाराज की कथा सुनी, अपने निजी पार्षद के मुख से सुनी है। परफेक्ट होता है अगर एक बार कथा सुनकर हम तक जाते हैं, प्रभु बस बस ये तो सुना है ध्रुव महाराज की, पिताजी का नाम उत्तान बाद उनकी दो पत्नी, हाँ सुना है, स्वयं भगवान ने भी ये सुना होगा ना, फिर भी भगवान ने कितनी बार कथा सुनी है ध्रुव महाराज की कथा, 100 बार। यानी सबसे बेस्ट श्रोता को है ना, तो कौन है, कृष्ण है। अर्जुन के मुख से भी पहले सुना, बाद में कथा बोली ना, गीता बाद में कही, पहले तो क्या बने, वो श्रोता बने, बाद में वक्ता बने। जो अच्छा श्रोता होता है वही भविष्य में अच्छा वक्ता बन सकता है। पर ये चार प्रकार के श्रोता कभी मत बनो, ये चार भी अच्छे ही होते हैं, बेल भी अच्छा है, लोमड़ी भी अच्छी है, उड़ भी अच्छा है, और कौवा भी अच्छा है। अगर ऐसे चार प्रकार के श्रोता बनोगे तो ऐसे ही चार प्रकार के क्या बनोगे, वक्ता बनोगे। हमें कैसे श्रोता बनना है, महाप्रभु से हमें सीखना है कि भगवान के शुद्ध भक्त ध्रुव महाराज की कथा को कितनी गहराई से सुन रहे थे, प्रेम से सुन रहे थे। ऐसे श्रोता बनना है हमें, हंस की तरह बनना है। श्रीमद् भागवत में प्रथम अध्याय के 5वें श्लोक के 31वें अध्याय में यही कहा है, उसंति मानुषः, हंस के समान श्रोता बनना है। और हंस क्या करता है, दूध और पानी को अलग कर देता है और दूध को स्वीकार कर लेता है। तुम श्रोता बने, तुम क्या स्वीकार करें, आपको मालूम है जब हम श्रवण करते हैं ना, तब जो वक्ता होता है जो कहता है ना, तो ऐसा लगता है कि मुझे कह रहा है, अब देखना मुझे बोलना है। पर यहां पर तो हम सब चीज सब मांगी दे रहे, आपको जो अच्छी लगे मेनू है पूरा, ये डोसा मंचूरियन ये फलाना हॉट डॉग जो भी है, आपको क्या पसंद है वो ले लो, मुझे नहीं पसंद है तो भी, आपको नहीं पसंद तो भी लिखा हुआ होता है ना, किसी को डोसा नहीं अच्छा लगता तो भी लिखा है डोसा, डोसे के प्रकार भी है, मसाला डोसा, रवा डोसा, ऐसा अलग अलग, पर डोसा पसंद नहीं है आपको, पसंद है भी लिखा है, पर आपको जो पसंद है वो ले लो। वैसे कथा में हर चीज कही जाती है, पर हम पर जो आती है ना उनको हम क्या करें, पकड़ ले, हमारे अंदर जो दूर गुण है उस बात को हम सुने, तो हंस की तरह हमको तुरंत क्या कर लो, एक्सेप्ट कर लो, और थोड़ा हम अपने आप को सुधार ले। ये तो सब जानते हैं कि नहीं, ये मुझ पर आ रहा है ये सब चीज पर, अगर हम पर आ रहा है तो हम सुधर क्यों नहीं रहे, हंस की तरह हमें श्रोता होना चाहिए। और आगे बताते हैं कि चातक पक्षी की तरह होना चाहिए, जो चातक पक्षी है वो स्वाति नक्षत्र में गिरी हुई बारिश के पानी की बूंद को ही पीता है और कुछ नहीं पीता, बाकी वो समुद्र पानी के बीच में ही रहता है वो, और वो चातक पक्षी उसी पानी को पीता है जो स्पेशल नक्षत्र में जो बारिश होती है उसी बारिश के पानी की बूंद को वो पीता है, और वही बूंद मोती में परिवर्तित हो जाती है। वैसे एक ऐसे श्रोता होते हैं जो परंपरा में आया हुआ, जो शुद्ध परंपरा से कहा हुआ, जो शास्त्र है कथा है भगवान का नाम है वही सुनता है,
ऐसे ही वक्ता को सुनता है जो परंपरा से हो, जो शुद्ध परंपरा में आया हो, जो सनातन धर्म में उनका कनेक्शन हो। और भगवान ने बनाए हुए चार परंपरा के अंतर्गत ऐसे ही वक्ता के पास कथा को सुने तो ही उनके शब्द जो होते हैं वो मोती के समान मूल्यवान बन जाएंगे। और तीसरे श्रोता पॉजिटिव सकारात्मक श्रोता हिरण की तरह होते हैं। हिरण को सबसे ज्यादा प्रिय है बांसुरी, और जो शिकारी होता है वो इतनी सुंदर मधुर बांसुरी बजाता है और ये बांसुरी में आसक्त होकर उनको मालूम है कि जो बजाने वाला है उनके पास में जाऊंगा और मुझे मार देगा, मालूम है उनको, फिर भी वो इतना आसक्त होता है कि उसी धुन को, उसी नाद को, उसी स्वर को सुनकर उनके पास आ जाता है और वहां पर आकर शिकारी उनको मार देता है। वैसे एक श्रोता कृष्ण कथा को सुनने के लिए भी इतने ही लालायित होने चाहिए, इतनी लालसा होनी चाहिए कृष्ण कथा को सुनने के लिए। जैसे हिरण की तरह हम दौड़े, हमें मालूम बहुत हमारा काम है घर में, फिर भी सब छोड़कर कृष्ण तो कथा को सुनने के लिए आए। भले घर में कोई ये बोले बोलने दो, पर कृष्ण कथा के बिना रह ही नहीं पाए। बांसुरी की नाद को सुनकर जैसे गोपिया कृष्ण के पास चली आई, वैसे एक साधक एक भक्त जब सुनते हैं कि शुद्ध परंपरा से आने वाली कृष्ण कथा सुनने के लिए मिल रही है तो सब कुछ काम छोड़कर पति सुतान भव भक्त बांधवान सबको छोड़कर कथा को सुनने के लिए गोपी आ जाती है। तब कथा की कथा हो। हम सब जानते हैं कि यत्र च गंगा यमुना च तत्र गोदावरी तत्र सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि बसन्ति यत्र यथा कथा अच्युत कथा प्रसंगा। जहां पर भगवान अच्युत की कथा होती यत्र च यमुना गंगा च तत्र सरस्वती गोदावरी च तत्र सर्वाणि तीर्थानि बसन्ति यत्र सभी तीर्थ मिलकर जहां पर कृष्ण की कथा होती है वहां पर उपस्थित हो जाती है। और भगवान की कथा सुनने के लिए भगवान आए ना आए, भगवान स्वयं स्वतंत्र है, वो आ भी सकते हैं ना भी आ सकते। कृष्ण की कथा जब हो रही हो तब भगवान कृष्ण आ भी सकते हो नहीं भी आ सकते, पर अगर भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त की कथा हो तो भगवान को कंपलसरी सुनने के लिए आना पड़ता है, क्योंकि भक्त भगवान के प्राण है। तुम्हार हृदय सदा गोविंद कहे न मोर भक्त के।
वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना कुछ भी नहीं है, स्वतंत्र मैं भक्तों के वश में, पूरा जगत मेरे वश में है। मया दक्षिण प्रकृति सुयते सचराचरम हेतु आने कोते जगत भी परिवर्तते। पूरा जगत मेरे वश में, मेरे अध्यक्षता के यानी मेरे आंख नीचे पूरा संसार काम करे। फिर भी मैं भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है उनके प्राण, भगत के वश में है भगवान, भगत के मंदिर को छोड़कर कर्मा भाई की खिचड़ी खाने के लिए कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है उनके प्राण, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। अपने आप को भी भूल जाते हैं, मनुष्य का शरीर हो या फिर हाथी का शरीर हो, कुछ भी हो, पर एक बार भाव से अगर भक्त बुलाए, शक्र देवो प्रपन्न यश तव स्मीति याचि, अभय सर्वदा तस्मै व्रतम। रावण को छोड़कर विभीषण जब भगवान के सामने हाथ जोड़कर आया और आंख में आंसू निकालकर कहा कि प्रभु
मैं आपके शरण में आया हूँ और आप मेरे हो और मैं आपका आपका तुरंत ये सुनकर ही भगवान प्रसन्न हो गए। विभीषण आज मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूँ, आज मैं इतना खुश हूँ कि आज तेरा भाई रावण भी आकर मुझे कहना कि प्रभु मैं आपका हूँ। भले उन्होंने अनेक पाप किए हो, अनेक जन्मों से पाप किए हो, पर आकर मेरे सामने हाथ जोड़ कर कहे कि हे प्रभु मैं आपका हूँ, तो उसी समय रावण को भी मैं मुक्त कर दूंगा, अभय प्रदान कर दूंगा। और एक बार आकर कहे क्या भगत के यमुना के तट पर ब्रह्मांड घाट में जब भगवान कृष्ण ने माटी खाई और बलराम जी ने जब यशोदा मैया को कहा कि माटी खाई, यशोदा किसी की बात पर विश्वास नहीं करती, बलराम जी की बात पर विश्वास करती। और जब भगवान को कहा कि आपने माटी खाई, मुंह खोलो, इनके 17 कारण है। भगवान ने माटी खाने के कितने कारण है? 17। आज एक ही बंदा होगा पड़ती है माटी की। इसलिए मैंने क्या खाई? मैया हो मैंने ही माटी खाई, ओ मैया हो मैंने माटी खाई। ये ब्रज राज हमें ब्रज शंकर नहीं हो रहा।
ऐसे शुद्ध भक्ति कथा को सुनने सुनने से पहले भक्त की महिमा तो समझ ले। मानव कहने बड़ा तो हर विपरागर क्यों बसा, मानव कहे मैं बड़ा तो पृथ्वी पर आकर क्यों बसा। पृथ्वी ने कहा, पृथ्वी कहे तो शेष के सिर पर क्यों खड़ी, शेष कहे मैं बड़ा तो शंकर के गले में क्यों पड़ा। भगत के वश में भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, Amen.
भागवतम दूसरा स्तंभ जिसमें चतुश्लोक के भागवत का वर्णन है, दूसरा स्कंद नौवां अध्याय 29 30 31 और 32 अहमेव सर्गो, वहां से शुरू होता है। मूल भागवत चार श्लोक के थे, चतुश्लोक के भागवत, जैसे चतुश्लोक की गीता भी है 10 8 9 10 8 9 10 11 अहम सर्व प्रभो मत सर्व प्रवर्तन सर्वासम वहां तक चतुश्लोक भागवत। परंतु भगवान कृष्ण ने ये भागवत का ज्ञान ब्रह्मा जी को हृदय में दिया, ट्रांसफर किया, कोई लाइव सुनाया नहीं, श्रवण कीर्तन नहीं था। इच्छा से हुआ है वो तो निश्चित है, जगत क्यों बनाया भगवान ने, हमारे लिए बनाया, भगवान को इच्छा हुई, दो कारण है, दोनों सही है, भगवान ने अपने लिए भी बनाया है और हमारी इच्छा से, पर दोनों के उत्तरों में से कोई प्रधान उत्तर है तो भगवान ने संसार का सृजन हमारे लिए ही किया है। कृष्ण भुलिया जीव अनादि बहिर्मुख, भगवान को भूलकर जीव, कृष्ण को भूलकर इस संसार में अनादि काल से बहिर्मुख होकर जन्म मरण के चक्र में घूम रहा है और इस जीव पर कृपा करके दिए वेद पुराण इस शास्त्र दिए, जीव पर कृपा कर भगवान को छोड़कर आए, क्यों आए वो मौन है, पर इस संसार में भगवान को छोड़कर आने वाले जीव को पुनः इस संसार में अगर अपनी इच्छा पूरी कर, अंदर जो भी है उनके अंदर कलमश, उनके अंदर जो भी हुई हुई इच्छा वो पूरी करने के लिए भगवान ने पूरा निर्माण किया है संसार, कि तू अकेला बेटा कहां जाएगा, तुझे स्वामी बनना है ना, दास नहीं बनना है ना, तुझे भोग भोगना है ना, तुम्हें सिर्फ भोग की व्यवस्था कर दो, सब व्यवस्था कर देता। जब भगवान ने अपनी इच्छा मात्र से इस सृष्टि का सर्जन किया, ब्रह्मा एष जगदंड विधान करता, भगवान के अनेक रोम कुप में से ब्रह्मांड का प्रागट्य हुआ और एक एक ब्रह्मांड ने भगवान एक स्वरूप प्रकट किया, गर्भदक्षा विष्णु आधे ब्रह्मांड को पानी से भरकर सो गए और उसी गर्भदक्षा विष्णु के नाभि में से कमल निकला, लक्ष्मी जी का दर्शन करके लक्ष्मी जी चरण की सेवा कर रही थी, भगवान नारायण दृष्टि मात्र से सृष्टि का सृजन करते हैं, ब्रह्मा जी का प्रागट्य कोई मैथुनी सृष्टि नहीं थी, वो मात्र भगवान नारायण की दृष्टि लक्ष्मी पर गई और उसी दृष्टि से अपने नाभि में से कमल प्रकट हुआ और उसी कमल के दंड के ऊपर इसका जन्म हुआ, सृष्टि के सर्जन करने वाला
विधाता ब्रह्मा जी का प्रकट होता है। और ब्रह्मा जी तो उनको खुद को मालूम नहीं था मैं कौन हूं, बहुत प्रयास किया, पूरे पूरा राउंड लगाया नीचे दांडी में कि मैं हूं कहां पर सब जला कर अंधेरा था। और फिर बाहर आए और बाहर आने के बाद बोले क्या करूं क्या करूं। एक संत बहुत सुंदर बताते हैं, ये सृष्टि का प्रथम शब्द तो ओम है, जो प्रण मंत्र बीज मंत्र कहा जाता है। और गीता में भी भगवान ओम शब्द को अपनी विभूति बताते हैं। एक ओम कोई निराकार शब्द नहीं है परंतु साकार सविशेष रूप है, और इसी रूप को प्रस्तुत किया है। भगवान के अंदर का शक्ति, भगवान के बहिरंगा और भगवान के तटस्था शक्ति, और उप और मां, ये तीनों शब्द भगवान की तीन शक्ति का प्रागट्यकरण है। एक भगवान के बहिरंगा शक्ति है, एक भगवान के तटस्था शक्ति है, और एक भगवान की अंतरंगा शक्ति है, और तीनों को मिलकर ओम शब्द है। ओम शब्द की बहुत व्याख्या है, पर सिद्धि लाइन से हम समझे ना तो उनका एक ही अर्थ है कि ओम शब्द जो है वो भगवान की विभूति है। भगवान ने अपनी विभूति गीता में बताई है। रसो अहम अप्यश कौंडिन्य प्रभा अस्मि शशि सूर्य। इसी श्लोक में जो पवित्र ओंकार वेद शब्द है वो भगवान के मेरा ही स्वरूप है, प्रणव मंत्र है मेरा। और सभी श्लोकों के प्रारंभ में ओम शब्द की शुरुआत होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यहां से ही शुरू होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कौन भगवान है ये शब्द में मालूम हो जाता है। वसुदेव का जो पुत्र है वही कृष्ण भगवान है। प्रणव मंत्र है, वेद मंत्र है, बीज मंत्र है। हर एक श्लोक का बीज जो है ओम है। और यहां पर ओम जो शब्द है, यानी शब्द सुना और बहुत दौड़े ब्रह्मा जी, बहुत दौड़े, बहुत घूमे, इसलिए उनके सिर में से पसीना निकला। एक समय बहुत इनकी टीका में लिखते हैं कि घूमने के कारण उनके सिर में से पसीने की बूंद नीचे गिरी थी, और नीचे गिरी तो एक आवाज आई टप 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 टप, है ना, आता है ना, जब रात के समय जब नल खुला हो जाता रहता है और फिर आवाज आती टप 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 टप, पर टप नहीं देखा, टप टप को सुना, टप नहीं सुना, पर क्या व्यंजन अक्षर में तो, यानी ब्रह्मा जी ने क्या सुना, टप तपस्या। फिर ब्रह्मा जी ने अनेक वर्षों तक तपस्या की, और तपस्या के कारण भगवान प्रसन्न हो गए। और भगवान ने प्रसन्न होकर भगवान ने नाम दिया, तेन ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूर्य। भगवान ने इस भागवत के ज्ञान को ब्रह्मा जी के हृदय में क्या किया, स्थानांतरित किया, हृदय में ट्रांसफर किया। जैसे कोई फाइल हम ट्रांसफर करते हैं, वैसे ही भगवान ने इस ज्ञान को ब्रह्मा जी के हृदय में क्या किया, ट्रांसफर किया। सुखदेव ने परीक्षित के सामने वर्ड टू वर्ड कहा, सोनक आदि सुत और सोनक के समाज में भी ये वर्ड टू वर्ड था। पर कृष्ण ने जब ब्रह्मा जी को भागवत का ज्ञान सुना तो कैसा था, तेन ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरय, तेजो वायुर्धाम यथा विनिमयो शरणम् पुरुषा। हृदय में ट्रांसफर किया, और भगवान की कृपा से ही ब्रह्मा जी सब कुछ समझ गए। ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। भगवान को देखते हुए प्रार्थना की,
कृष्ण अभी ईश्वर हो, अभी परम हो, अभी सच्चिदानंद स्वरूप हो, अभी अनादि आदि हो और सभी कारण के कारण भी। पर प्रभु मुझे क्यों, मेरा प्रागट्य क्यों हुआ जरा बताइए, आपने मुझे क्यों जन्म दिया? कुछ प्रयोजन तो होता है ना, कुछ न कुछ तो प्रयोजन है। भगवान ने हमें मनुष्य शरीर दिया है, कुछ न कुछ तो प्रयोजन है। पशु प्राणी नहीं बनाया है, पर मनुष्य शरीर दिया है, यानी कुछ प्रयोजन है। मनुष्य शरीर बनने के बाद क्या करना चाहिए? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य अतः वेदांत सूत्र का पहला परिभाषा होता है, दूसरा जन्म आदिश्य। पहला सूत्र है अथा तो ब्रह्म, मनुष्य शरीर मिलने के बाद हमें ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। और दूसरा सूत्र है जन्मादिश्य वेदांत सूत्र का। ऐसा अनेक सूत्र में वेदांत को सूत्र के रूप में दिया गया है, यानी एक ही शब्द में। फिर इस सूत्र का और विस्तार हुआ और उनका और विस्तार हुआ, विस्तार करते करते भागवत के रूप में हमारे पास आ गया। इनके बहुत विस्तृत वर्णन है, पर संक्षिप्त में स्पष्ट कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी का प्रागट्य क्यों हुआ, मेरे जन्म क्यों हुआ, क्या प्रयोजन है? कभी हमें भी भगवान से या गुरुजनों से पूछना चाहिए, या अगर हम एकदम ब्लैंक है, ना हमें गुरु मिले हैं, ना भक्त मिले हैं, ना भगवान मिले हैं, तो हमें शास्त्र से पूछना चाहिए कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया। गीता की शुरुआत तो यहां से आती है, सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी महापुरुष से मिलते तब ये तो प्रश्न पूछते हमें कि यही सबसे बड़ा प्रश्न है, मैं कौन हूं। भगवान शिव जी का भी प्रागट्य हुआ एकादश शूद्र के रूप में, जब एकादश शूद्राणी भी प्रकट हो गई तब शिव जी ने ही कहा कि मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है। तो हमें भी प्रश्न पूछना चाहिए कि मैं कौन हूं, मैं कहां से हूं, मुझे कहां जाना है। सीधा बोलते कर मैं आधार कार्ड देख लो, नहीं हूं, मैं एड्रेस लिखा है वहां से आया और उन्हें एड्रेस लिखा वहां जाना है। शरीर का है ना, पर आत्मा का एड्रेस कहाँ है? तो भगवान के हैं, भगवान के धाम से आए हैं यहाँ पर, और वापिस कहाँ जाना है? इन सेम जो यहाँ प्रोसेस है ना, इस शरीर की प्रोसेस वैसे आत्मा की प्रोसेस। हम जहाँ रहते वहां आए और जाएंगे भी कहाँ, वहां जाएंगे। वैसे आत्मा जहां से आई थी वो भूल भटक कर यहां भटक रही है और वापिस जाएगी कहां पर, जहां से वो आई है। एक गीता का संदेश है, तात्विक चर्चा है। ब्रह्मा जी ने कहा क्या, बोले आप जाओ और आप सृष्टि का सर्जन करो, सृष्टि को उत्पत्ति करो। तो बोले प्रभु आपकी कृपा के बिना मैं कैसे कर सकता हूं? फिर भगवान ने अपनी कृपा आशीर्वाद बल दिया और उसी बल को लेकर बोले ठीक है। और फिर ब्रह्मा जी, हम सब जानते हैं कि चार पुत्र सन सनक सनद और सनंदन प्रकट हुए, चतुष्कुमार सनत कुमार। नारद का प्रागट्य हुआ, नारद को कहा कि आप सृष्टि का सर्जन करो, नारद ने कहा सॉरी अब माथा कोट में पड़ू नहीं। चारों कुमारों को कहा कि आप सृष्टि का सर्जन, मैं थोड़ी सृष्टि का प्रारंभ करो, बोले सॉरी प्रभु अब लंगोट में सारा चीज थोड़ा जींस पैंट पेरेंट इसको करो ये नहीं करता, लंगोट में बराबर है, रहने दो ऐसे। ब्रह्मा जी क्रोध है और क्रोध के कारण के सिर में से पसीने बूंद निकली और बूंद जैसे नीचे गिरी तो उनके अंदर से रोता हुआ बालक का जन्म हुआ, प्रकट हुआ। जन्म नहीं बोल सकते, शिव जी का जन्म नहीं है, शिव जी का प्रकट है, क्योंकि शिव जीव तत्व नहीं है, शिव शिव तत्व है, जीव तत्व से परे है। और भगवान के
कृष्ण और राम के भक्तों में अव्वल नंबर के भक्त है। इसलिए भागवत में भी एक चर्चा हुई कि आप सब अनेक अनेक नदियों का वर्णन किया, अनेक अनेक भगवानों का वर्णन किया, अनेक अनेक देवी देवता का वर्णन किया, अनेक अनेक शास्त्रों का वर्णन किया, परंतु एक चाहिए हमें मन शॉर्टकट। गीता में भी ये बात हुई, जब गीता महात्म्य तो शिव जी ने पार्वती को सुनाया था और शिव जी ने गीता का स्वरूप कहा था कि 10 अध्याय मुखम, 10 अध्याय भगवान के मुख है। और दूसरे 2 अध्याय भगवान के हाथ है, 12-13वां उदर है, सब क्लियर किया है। 18 अध्याय का वर्णन, 1 10 18 अक्षर शिवांगी मूर्तिश्वरी, हे पार्वती, ये 18 अध्याय भगवान का ही स्वरूप है। पंच अध्याय 5 मुख भगवान के, 5 अध्याय, 10 हाथ 10 15 ऐसे, 16-17 2 पैर 18 अध्याय भगवान का स्वरूप है। और उन्हीं ने कहा कि ठीक है, परंतु संसार के लोग कंफ्यूज हो गए तो उनको क्या कहे, क्या बताए। और उसी बात को क्रम के अनुसार, परंपरा के अनुसार, जब स्वयं भगवान शिव शंकराचार्य के रूप में आए, शिव जी के रूप में, तो पार्वती को गीता महात्म्य बता दिया। पर वीर कलयुग में लोग गीता से विस्मृत हो गए, बहिर्मुख हो गए, उसी गीता के महत्व को गीता में बताया और क्लियर बात बता दिए। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एक मंत्रस्य नामानि कर्मा प्रियतस्य देवस्य सेवा। गीता में भी, गीता शुरू होने से पहले क्लियर बता दिया, एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देव। वैसे ही भागवत में भी बता दिया सुखदेव जी ने, मानो परीक्षित कंफ्यूज हो जाए कि प्रभु ये संसार में हम किस भगवान को माने, किस नदी को माने। अनेक नदियों का वर्णन भागवत में है, हमारी तापी मैया का भी वर्णन है, अनेक देवताओं का वर्णन है, अनेक भक्तों का वर्णन है, अनेक शास्त्रों का वर्णन है, तो क्या करे। उसी भागवत को कहा गया यथा नाम तथा गंगा, अनेक नदियों में सब श्रेष्ठ ही है परंतु गंगा श्रेष्ठ है। देवानाम अच्युत तथा, अनेक देवताओं में अच्युत भगवान कृष्ण श्रेष्ठ है। और वैष्णवानाम यथा शंभो, और अनेक वैष्णव राम कृष्ण के भक्त है, उनमें से नंबर वन कोई भक्त है तो कौन है, भगवान शिव। पंचमुख महादेव राम राम हरे, महामंत्र दियो शिव जी को, और महामंत्र की दीक्षा भी शिव जी ने पार्वती को दी है। बहुत बड़ा रहस्य है, जो महामंत्र मिला है ना, कोई सामान्य नहीं है। प्रभु शिव जी 24 घंटे उनका भजन करते हैं, कैलाश में बैठकर भगवान शिव भी इसी महामंत्र का जप करते हैं, कृष्ण नाम का, क्योंकि उनको बहुत ही प्रिय है। और जब भगवान कृष्ण इस धरातल पर आए, उसी कृष्ण का दर्शन करने के लिए आए, और नगर में जोगी आया और शिव जी कृष्ण का दर्शन करने के लिए आ गए, तमया मना की कुछ भी हो जाए, प्रभु मैं कैलाश को छोड़कर नंद भवन तक आ सकता हूं, तो आप अपना घर छोड़कर बाहर तक नहीं आ सकते। समझ
नगर में जोगी आया सुनते हैं और जब मालूम हुआ कि जप कर रहे थे और वहां पर कुछ मच्छर उनको डिस्टर्ब कर रहे थे, मन में सोचा कि यहां से चले जाए क्योंकि नाम में बाधा आ रही है। हमारा एकदम उल्टे, हमारी बाधा है तो अच्छा हो, चलो डाल दे माला, आराम से करेंगे। पर दुख हो रहा है जब माला में कुछ डिस्टर्ब हो रहा है तो दुख हो रहा है, और फिर चलने का निर्णय ही किया तब शिव जी ने, क्योंकि उनको बहुत प्रिय महामंत्र, बहुत प्रिय महामंत्र, और सब मच्छरों को ऑर्डर दे दिया क्या कोई आना मतलब भूखा गाड़ी ना दी। देह के इशारों से पूरे सृष्टि का प्रलय हो जाता है, तांडव नृत्य से पूरा उल्टा फुल्टा हो जाता है। तो शिव जी ने मच्छर को कहा भूल से भी आना मत हमारे एरिया में। सब ऐसा चल रहा है हमारे एरिया में, बना है हमारी बॉर्डर है, अब वहां तक रहो, वहां तक रहो। हर भूमि गोपाल की, अब जितनी जगह लोगों को दोगे ना भगवान उतनी ही जगह में हमको बिठाएगा।
हम जितना संकीर्ण बनेंगे ना, भगवान भी हमें स्वीकार करने में भी इतनी संकीर्णता सोचेंगे। खुला होकर प्रचार, आराम से निष्कपट होकर प्रचार करो। कृष्ण इतनी कृपा देंगे आप सोच नहीं पाओगे, आप सोच नहीं पाओगे। वो सब कुछ कर सकते, सब कुछ कर सकते, एक मिनट में, एक सेकंड में सब कुछ परिवर्तन कर सकते। नहीं चाहे वो देंगे, अगर आप उस चीज को प्राप्त करने के लिए दौड़ोगे ना तो एकदम दौड़ा देंगे। उनका स्वभाव, उनका स्वभाव थक जाएंगे, उनको देंगे और फिर आप उनको छोड़ दो, भगवान बोले ले ले लेके जा, लेके जा। ऐसा होता है, अभी भी हम बच्चे को भी, छोटे बच्चे उनको ललचाते, नहीं देना नहीं देना नहीं देना, फिर बच्चा भयंकर नाराज होता, नहीं चाहिए आपकी चीज, फिर वो मम्मी डैडी ले बेटा ले ले ले। एक सामान्य माँ बाप ऐसा कर सकता है तो पिता महर्षि माता दाता पिता भगवान के पिता देखिए क्यों नहीं देखे, अगर मेरा सच्चा भाव है सच्चा मना देंगे, अगर न दे तो भी उनकी इच्छा, मारो भी राखो भी जो इच्छा, हम आपको कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि आप स्वतंत्र हो प्रभु, आप कुछ भी कर सकते हो। हरिदास ठाकुर के अंतिम समाज में बहुत सुंदर है, हरिदास ठाकुर का जो शरीर छूटा है अद्भुत कथा है, सबसे प्रिय हमारी वो जो संवाद है, अंतिम संवाद है हरिदास ठाकुर की दिव्यता जो प्रकट हो रही है चैतन्य महाप्रभु के सामने, और चैतन्य महाप्रभु करुणा बरस रही है हरिदास ठाकुर पर। पितामह भीष्म का देह त्याग भी हरिदास ठाकुर के सामने शून्य हो गया, इतनी अद्भुत मृत्यु सिखाई हरिदास ठाकुर। भीष्म के सामने तो भगवान की काली नजर थी, भगवान का स्वरूप दर्शन था, पर हरिदास के छाती में चैतन्य महाप्रभु का चरण था, और वहां तो सपांडवा रुक दर सपांडवा नाम श्री मैत्री उवाच आता है, ये सब पांडव गए, कृष्ण भी गए, हरिदास ठाकुर के पास कृष्ण नहीं थे, कृष्ण के साथ साथ राधा रानी भी थी। ये सौभाग्य सबको कृष्ण मिले, सबको गजेंद्र को मिले, सब हमारे यहां भी गुरु महाराज को मिलेंगे, महाराज को मिलेंगे, नारायण स्वरूप मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे, भजन करने वाले को भगवान मिलेंगे, अपने भाव के अनुसार भगवान दर्शन निश्चित देंगे। और हरिदास ठाकुर का भजन इतना प्रबल था कि कृष्ण से पहले तो राधा रानी की करुणा बरस गई, और अपने कर कमल से उठाया था हरिदास ठाकुर, सामान्य मौत तो नहीं हो सकती। हरिदास ठाकुर हम सबको सिखाए कि हमारा जीवन कैसे होना, अंतिम समय में भी कोई फरियाद, कोई कंप्लेन, कोई शिकायत नहीं, पर अंत समय अपने आप को दीन्यता ही प्रकट किया पहले से लेकर एंड तक। ये साधु का स्वभाव है, साधु एव साधु भूषणम, यही साधु का आभूषण है, पर रही भक्त बनने के बाद यही सब सीखना है, और भले कुछ आए ना आए पर ये चीज आ जाए ना तो जीवन सफल हो जाएगा। जहां पर भगवान है हमारा भजन की तीव्रता उत्कंठा को देखकर भगवान भी हमारा स्मरण करे, वो कोई छोटी चीज नहीं है। भगवान अपने धाम को छोड़कर साधक के पास आ जाए, ये कोई छोटी चीज है ही नहीं। तो सावधान रहना है, यथा नाम भागवत में भी कहा गया है, वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ शिव जी है और शास्त्र में सर्वश्रेष्ठ भागवत है। एक चीज है, ब्रह्मा जी के द्वारा संतान प्रकट हुए, शिव जी प्रकट हुए, शिव जी ने कहा मुझे क्या करना है, प्रकट हुए, उनका जन्म नहीं हुआ, अयोनी है शिव जी, क्या है अयोनी है। और जहां जहां महामंत्र का उच्चारण होता है याद रखे वहां पर शिव जी निश्चित उपस्थित होते हैं,
और जहां जहां महामंत्र होता है वहां शिव जी और उनका बेटा गणेश जी दोनों तो पहले आ जाते हैं। तो गणपति में ही आते हैं, गणपति में जितना महामंत्र लोगे उतना गणेश जी प्रसन्न होते हैं। गणपति में तो काला तोवा कांट खाएगा। महामंत्र से गणेश जी वास्तव में प्रसन्न, क्योंकि पुत्र अपना संस्कार अपने पिता अपना संस्कार अपने पुत्र को देते हैं, यानी शिव जी परम वैष्णव है तो गणेश जी भी परम वैष्णव है। जैसे शिव जी का बिजनेस हरिनाम लेना है वैसे गणेश जी का भी बिजनेस वर्ड जेवा टेटा ने बाप जेवा गुजराती में है, जैसा पिता होता है वैसे ही पुत्र होता है। तो पिता का शौक उनका व्यसन हरिनाम है तो पुत्र का भी व्यसन हरिनाम ही है। तो शिव जी को कहा कि ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरी इच्छा है कि सृष्टि का सर्जन करो, पर शिव जी ने भी सृष्टि का सर्जन किया पर सर्प बिच्छू ये सब प्रकट हो गए भूत प्रेत। ब्रह्मा जी ने कहा उभारे रेवा जी तुम्हें कैलाश वाजी भजन करो, जब ये सृष्टि का प्रलय करना होगा तब व्हाट्सएप करेंगे वीडियो कॉल करेंगे आ जाएगा। शिव जी बोले मुझे यही चाहिए था। मुझे देखो कोई कोई व्यक्ति कभी कभी अपने आप को नादान यानी मूर्ख बना देता है ना, उनके पीछे हरिनाम का इशारा रहता है। जड़ भरत ने अपने घर में रहकर अपने आप को जड़ बना दिया, क्यों? क्योंकि अगर मैं होशियार बन जाऊंगा तो दुनिया वाले मुझे धंधे में लगा देगा, धंधे लगा दे आज में बेटा बहुत बुद्धिशाली अपना व्यापार को आगे बढ़ाना है चल आजा। और जड़ भरत ने अपने आप को क्या बनाया, मूर्ख बनाया। उनको मालूम मूर्ख बनोगे ना तो दुनिया हमारे सामने नहीं देगी, और दुनिया जब हमारे सामने देखना बंद कर देगी तब श्याम सुंदर हमारे सामने देखना शुरू कर देगी। हम सब चाहते हैं कि दुनिया हमारे सामने देखे, पर हम कोई नहीं चाहता कि कृष्ण हमारे सामने देखे। जब संसार का बनना है तो संसार के लोग देखेंगे, पर संसार का नहीं बनोगे और भजन में हमारी रुचि लगाओगे तो कृष्ण अवश्य देखेंगे। भरत जी ने अपने आप को जड़ बना दिया, एकदम उल्टा काम करने लगे। इसलिए भगवान के सबसे नजदीक अपने आप को जितना मूर्ख बनाओगे उतना भजन में ज्यादा ध्यान लगोगे। होशियार बना के तो बापा धंधे लगा दे, हालांकि बेटा लज्जा धंधे में। और फिर पिताजी बोले इनको कहां धंधा करना आता है, जा तू माला कर बस यही चाहिए, पर आप ऐसा मत करना। गौर प्रभु जी को सब डांटेंगे क्या ये सिखा तो आप माला करना सिखाते। पिताजी बोले धंधे में जा, पिताजी आप हिरण्यकश्यप हो बलाद हो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। पिताजी बोले हिरण्यकश्यप ने पर्वत की चोटी से फेंक दिया था, चल मैं तुझे पांचवें माला से फेंकता हूं। प्रैक्टिकल भक्ति यानी प्रैक्टिकल। हमारे क्लास चलता है ऑनलाइन, उनमें से एक माता जी ने प्रश्न पूछा था भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन को कैसे सेट करें। मैंने कहा बाहर से दुनिया के हो जाओ और अंदर से श्याम सुंदर के हो जाओ बस। बाहर से दुनिया वालों को ऐसा ही लगना चाहिए मेरा है मेरा बेटा है, मेरे पिताजी है, मेरे सेठ हैं। बाहर से दुनिया वालों को ऐसा ही लगना चाहिए कि हम संसार के हैं, पर अंदर से कृष्ण को लगेगा कि ये मेरा है। बाहर से लगने दो जो भी है, दो डबल रोल करना है हमें, बाहर से दुनिया वाला का बनना है और अंदर से कृष्ण का, दोनों सेट हो जाएगा। लंबी इनका लंबा वक्तव्य नहीं करना है, पर इतना समझो एक ही लाइन में कि बाहर से दुनिया के बने रहो और अंदर से कृष्ण के। शिव जी ने फिर भगवान ने रोक दिया और फिर क्या करें, और फिर प्रेरणा से ब्रह्मा जी के दाएं और बाएं भाग में से मनु और शत्रु का प्रागट्य हो गया। मनु और शत्रु का प्रागट्य हो गया ब्रह्मा जी के, और कहा जी पिताजी क्या करना है। बोला आप ऐसा करो
सृष्टि का सर्जन करना है, ठीक है पिताजी, जो आज्ञा पिताजी, पर सृष्टि का सर्जन करना है, मैथुनी सृष्टि करना है, कहां कर कहां जाना है? तो बोले आप पृथ्वी पर जाओ, और जैसे पृथ्वी पर गए तो पृथ्वी गायब थी, पृथ्वी को कौन लेकर गया था? हिरण्याक्ष भगवान एक अवतार लेकर उनको, फिर मनु और शत्रु का ने खूब भजन किया, और भजन करने के बाद उनकी पांच संतानें हुई, दो पुत्र हुए और तीन पुत्री देवहूति आपूति और प्रसूति, और दो पुत्र हुए उत्तानपाद और प्रियव्रत, बड़े प्रियव्रत थे, छोटे उत्तानपाद थे। और ये सुन रहे थे, मैत्रेय और विदुर का संवाद है चतुष्कंध, ये संवाद सुखदेव और परीक्षित का है, और पूर्व संवाद सोनम और सुत जी का है। कहा के ठीक है प्रभु, और पांचों संतान हो गई, और सबसे पहले परीक्षित महाराज ने कहा कि अब कथा सुनाओ। मैत्रेय जी विदुर जी ने कहा कि आगे क्या हुआ? बोले आगे उत्तानपाद का पुत्र हुआ, आप छोटे भाई का वर्णन क्यों करें? बड़े भाई का करो ना, प्रियव्रत प्रियव्रत बड़े थे, छोटे उत्तानपाद थे, आपको तो प्रसिद्ध देव थे, तीन कन्या थी, तो पहले कथा बड़े भाई की होनी चाहिए, छोटे भाई की, बड़े भाई की होनी चाहिए ना। पर यहाँ पर भागवत के चतुष्कंध में बड़े भाई को न छोड़कर छोटे भाई की कथा शुरू हो रही है उत्तानपाद की। क्यों? श्री प्रभुपाद जी कहते इसलिए उत्तानपाद की कथा हुई क्योंकि उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव होने वाला था। बोलो ध्रुव महाराज की। तो मैंने आपको खींच खींच कर कहां पर पहुंचा दिया? लाना तो है ना, तो ध्रुव महाराज तक आपको पहुंचा दिया। अब धीरे धीरे कल ध्रुव महाराज क्या करने वाले हैं वो हम कल से शुरू करेंगे। आज के सत्र को हम यहाँ पर विराम देते हैं महामंत्र के उच्चारण के साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम।